नमस्कार दोस्तों, मार्केट शाला के साथ रीडिंग में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं रॉबर्ट कियोसाकी का बेस्ट सेलर रिच डैड पुअर डैड, अध्याय 5। तो क्या इसीलिए वे कम तनख्वाह पर काम करने के लिए राजी हो जाते हैं, मैंने पूछा। हाँ, अमीर डैडी ने कहा, कुछ लोग कहते हैं कि मैं लोगों का शोषण करता हूँ क्योंकि मैं उन्हें उतनी तनख्वाह नहीं देता जितनी उन्हें अगर प्लांटेशन या सरकार की तरफ से मिल सकती है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि लोग खुद अपना शोषण करते हैं, डरते हैं वे, मैं नहीं। पर क्या आपको नहीं लगता आपको उन्हें ज़्यादा तनख्वाह देनी चाहिए, मैंने पूछा। मुझे ज़्यादा देने की ज़रूरत ही नहीं है, और इसके अलावा ज़्यादा पैसा मिलने से उनकी समस्या नहीं सुलझेगी। अपने डैडी को ही देख लो, वे बहुत सा पैसा कमाते हैं और फिर भी वे अपने बिलों का भुगतान नहीं कर पाते। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें अगर ज़्यादा पैसा मिल जाए तो वे ज़्यादा कर्ज में डूब जाएंगे। तो इसी कारण आपने मुझे 10 सेंट प्रति घंटे की तनख्वाह दी, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। यह सबक का हिस्सा था। बिल्कुल सही, अमीर डैडी ने मुस्कुराकर कहा। देखो, तुम्हारे डैडी स्कूल गए और उन्होंने बहुत बढ़िया शिक्षा इसलिए हासिल की ताकि उन्हें अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी मिल सके, जो उन्हें मिल भी गई। परंतु उनके पास आज भी पैसे की तंगी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्होंने स्कूल में पैसे के बारे में कुछ भी नहीं सीखा, और सबसे बड़ी बात यह है कि वे पैसे के लिए काम करने में भरोसा करते हैं। और आप नहीं करते, मैंने पूछा। नहीं, सच पूछा जाए तो नहीं, अमीर डैडी ने कहा। अगर तुम पैसे के लिए काम करना सीखना चाहते हो तो स्कूल में ही रहो, यह सीखने के लिए उससे बढ़िया जगह और कोई नहीं है। परंतु अगर तुम यह सीखना चाहते हो कि पैसा तुम्हारे लिए किस तरीके से काम करे, तो यह मैं तुम्हें सिखा सकता हूं, परंतु तभी जब तुम यह सीखना चाहो। क्या हर कोई यह नहीं सीखना चाहता, मैंने पूछा। नहीं, अमीर डैडी ने कहा, सिर्फ इसलिए क्योंकि पैसे के लिए काम करना ज़्यादा आसान है, खासकर तब जब पैसे के बारे में आपकी मूल भावना डर हो। मैं समझ नहीं पाया, मैंने त्योरियां चढ़ाकर कहा। उसकी चिंता फिलहाल मत करो, अभी इतना ही समझ लो कि डर के कारण ही ज़्यादातर लोग अपनी नौकरी कर रहे हैं, अपने बिलों का भुगतान ना कर पाने का डर, नौकरी से निकाल दिया जाएगा इस बात का डर, पर्याप्त पैसा ना होने का डर, एक बार फिर से शुरू करने का डर। यह किसी व्यवसाय को सीखने और पैसे के लिए काम करने की कीमत है। ज्यादातर लोग पैसे के गुलाम बन जाते हैं और फिर वे अपने बॉस पर अपनी भड़ास निकालते हैं। तो आपकी नजर में पैसे से अपने लिए काम करवाना एक बिल्कुल अलग विषय है, मैंने पूछा। बिल्कुल, अमीर डैडी ने जवाब दिया, एकदम सही। शनिवार की उस खुशनुमा सुबह हवाई में हम लोग चुपचाप बैठे रहे। मेरे दोस्त उस समय लिटिल लीग बेसबॉल गेम शुरू कर ही रहे होंगे, पर किसी वजह से मैं खुश था कि मैंने 10 सेंट प्रति घंटे के हिसाब से काम करने का फैसला किया था। मुझे लगा कि मैं कुछ ऐसा सीखने जा रहा था जो मेरे दोस्त स्कूल में कभी नहीं सीख पाएंगे। अमीर डैडी ने पूछा, सीखने के लिए तैयार? बिल्कुल, मैंने दांत निकाल कर कहा। मैंने अपना वादा निभाया है, मैंने तुम्हें दूर बैठे बैठे ही सिखाया है, अमीर डैडी ने कहा। 9 साल की उम्र में तुम्हें इस बात का पता चल चुका है कि पैसे के लिए काम करना कैसा होता है।
अपने पिछले महीने को 50 सालों से गुणा कर लो और तुम्हें इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा कि ज़्यादातर लोगों की ज़िंदगी किस तरह गुजरती है। मैं समझ नहीं पाया, मैंने बोला। जब तुम मुझसे मिलने के लिए लाइन में इंतज़ार कर रहे थे तो तुम्हें कैसा लग रहा था? एक बार नौकरी के लिए और दूसरी बार तनख्वाह बढ़वाने के लिए? मैंने कहा, भयानक। अगर तुम पैसे के लिए काम करने का विकल्प चुनते हो तो ज़्यादातर लोगों के लिए ज़िंदगी का मतलब यही होता है, अमीर डैडी ने कहा। और तुम्हें तब कैसा लगा था जब मिसेज मार्टिन ने तुम्हारे हाथ में 3 घंटे के काम के लिए 3 सिक्के थमाए थे? मुझे लगा था कि यह काफ़ी नहीं है, मुझे लग रहा था कि यह कुछ भी नहीं है, मैं निराश हुआ था, मैंने बोला। और यही ज़्यादातर कर्मचारियों को लगता है जब वे अपनी तनख्वाह के चेक को देखते हैं, खासकर तब जब उससे टैक्स और बाकी कटौतियां कर ली जाती हैं। कम से कम तुम्हें तो पूरी तनख्वाह मिलती थी, उन्हें तो पूरी तनख्वाह भी नहीं मिलती। आपका मतलब है ज्यादातर कर्मचारियों को पूरी तनख्वाह नहीं मिलती? मैं हैरान था। नहीं, अमीर डैडी ने कहा, सरकार हमेशा अपना हिस्सा पहले ही ले लेती है। सरकार ऐसा कैसे करती है, मैंने पूछा। टैक्स, अमीर डैडी ने कहा, जब आप कमाते हैं तो आप पर टैक्स लगता है, जब आप खर्च करते हैं तो आप पर टैक्स लगता है, जब आप बचाते हैं तो आप पर टैक्स लगता है, जब आप मर जाते हैं तो भी आप पर टैक्स लगता है। लोग सरकार को ऐसा क्यों करने देते हैं? अमीर लोग ऐसा नहीं करने देते, अमीर डैडी ने मुस्कुराकर कहा, परंतु गरीब और मध्यवर्गीय लोग ऐसा करने देते हैं। मैं दावा करता हूं कि मैं तुम्हारे डैडी से ज्यादा कमाता हूं, परंतु वे ज्यादा टैक्स चुकाते हैं। यह कैसे संभव है, मैंने पूछा। 9 साल का बच्चा इस अजीब आंकड़े को समझ नहीं पा रहा था। कोई आदमी सरकार को ऐसा करने की इजाजत कैसे दे सकता है? अमीर डैडी चुपचाप बैठे रहे। मैं समझ गया कि वे चाहते थे कि मैं सुनूं, ना कि उनसे फालतू के सवाल करूं। आखिर मैं शांत हो गया। जो मैंने सुना था वह मुझे अच्छा नहीं लगा था। मैं जानता था कि मेरे डैडी हमेशा टैक्स का रोना रोते रहते थे, परंतु दरअसल इस बारे में वे कुछ भी कर नहीं पाते थे। क्या जिंदगी उन्हें धक्का दे रही थी? अमीर डैडी मेरी तरफ देखते हुए अपनी कुर्सी में धीमे धीमे और खामोशी से हिलने लगे। सीखने के लिए तैयार, उन्होंने पूछा। मैंने अपना सिर धीमे से हिलाया। जैसा मैंने कहा, सीखने के लिए बहुत कुछ है। पैसे से अपने लिए काम कैसे करवाया जाए, यह जिंदगी भर चलने वाली पढ़ाई है। ज़्यादातर लोग 4 साल के लिए कॉलेज जाते हैं और उनकी पढ़ाई पूरी हो जाती है। मैं पहले से ही जानता हूँ कि मेरी धन संबंधी पढ़ाई जीवन भर चलेगी, और इसकी वजह यह है कि मैं जितना ज़्यादा जान लेता हूँ उससे भी ज़्यादा जानने की मेरी जिज्ञासा बढ़ती चली जाती है। ज़्यादातर लोग इस विषय को कभी नहीं पढ़ते। वे नौकरी पर जाते हैं, अपनी तनख्वाह लेते हैं, अपनी चेकबुक को बैलेंस करते हैं और बात ख़त्म हो जाती है। इसके बाद भी उन्हें अचरज होता है कि उनके जीवन में पैसे की समस्याएं क्यों हैं। फिर वे सोचते हैं कि ज़्यादा पैसों से उनकी समस्या हल हो जाएगी। बहुत कम लोगों को यह एहसास होता है कि असली समस्या धन संबंधी शिक्षा या ज्ञान की है। तो मेरे डैडी को टैक्स की समस्या इसलिए है क्योंकि उनमें पैसे की समझ नहीं है, मैंने विचलित होकर पूछा। देखो, अमीर डैडी ने कहा, पैसे से अपने लिए कैसे काम करवाया जाए, टैक्स तो उस शिक्षा का सिर्फ एक हिस्सा है।
आज तो मैं सिर्फ यह देखना चाहता था कि तुम में अब भी पैसे के बारे में सीखने की प्रबल इच्छा बची है या नहीं। ज्यादातर लोगों में सीखने की प्रबल इच्छा नहीं होती। वे स्कूल जाना चाहते हैं, कोई व्यवसाय सीखना चाहते हैं, अपनी नौकरी में मजे करना चाहते हैं और ढेर सारा पैसा कमाना चाहते हैं। एक दिन वे तब जागते हैं जब उनके सामने पैसे की समस्या आ जाती है और तब वे काम करना बंद नहीं कर सकते। पैसे के लिए काम करने की यही कीमत होती है और उन्हें यह कीमत चुकानी ही पड़ती है। अगर वे पैसे से अपने लिए काम करवाना सीख लेते तो उनके सामने यह समस्या कभी नहीं आती। तो तुम में अब भी सीखने की, जानने की जिज्ञासा है? अमीर डैडी ने पूछा। मैंने हामी में सिर हिला दिया। अच्छा, अमीर डैडी ने कहा, जब काम पर जाओ और इस बार मैं तुम्हें बिल्कुल तनख्वाह नहीं दूंगा। मैंने हैरान होकर पूछा, क्या तुमने सही सुना? तनख्वाह बंद? तुम हर शनिवार 3 घंटे उसी तरह काम करोगे, परंतु इस बार तुम्हें 10 सेंट प्रति घंटे के हिसाब से तनख्वाह नहीं मिलेगी। तुम्ही ने तो कहा है कि तुम पैसे के लिए काम करना नहीं सीखना चाहते, इसलिए मैं तुम्हें बदले में कुछ भी नहीं दूंगा। मुझे अपने सुने हुए शब्दों पर भरोसा नहीं हो रहा था। मैंने माइक से पहले ही बात कर ली है। वह पहले से ही काम कर रहा है, मुफ्त में डिब्बों की सफाई कर रहा है और उन्हें करीने से जमा रहा है। अब तुम भी जल्दी से जाकर काम में जुट जाओ। यह ठीक नहीं है, मैं चिल्लाया। आपको कुछ ना कुछ तनख्वाह तो देनी चाहिए। तुमने कहा था तुम सीखना चाहते हो। अगर तुम इस बात को अभी नहीं सीख पाओगे तो तुम भी उन्हीं 2 महिलाओं और बूढ़े आदमी की तरह बन जाओगे जो मेरे लिविंग रूम में बैठे थे। ये लोग पैसे के लिए काम करते हैं और डरते हैं कि मैं उन्हें नौकरी से ना निकाल दूं। या तुम अपने डैडी की तरह बन जाओगे जो पैसा तो बहुत कमाते हैं परंतु गले तक कर्ज में डूबे हुए हैं। शायद उन्हें यह उम्मीद रहती है कि ज्यादा पैसे से उनकी समस्या सुलझ जाएगी। अगर तुम यही चाहते हो तो मैं एक बार फिर 10 सेंट के अपने पुराने वादे पर लौटने के लिए तैयार हूं। या तुम वह कर सकते हो जो ज्यादातर लोग करते हैं, इस बारे में शिकायत करो कि तनख्वाह बहुत कम है और तुम यह नौकरी छोड़कर दूसरी नौकरी की तलाश शुरू कर दो। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, मैंने पूछा। अमीर डैडी ने अपने सिर पर उंगली रखी। इसका इस्तेमाल करो, उन्होंने कहा। अगर तुम इसका सही इस्तेमाल करोगे तो तुम मुझे जल्द ही इस बात के लिए धन्यवाद दोगे कि मैंने तुम्हें मौका दिया और एक दिन तुम बहुत अमीर आदमी बन जाओगे। मैं वहां यह सोचते हुए खड़ा था कि मुझे कितना घटिया विकल्प दिया जा रहा है। मैं यहां अपनी तनख्वाह बढ़वाने आया था और अब मुझे मुफ्त में काम करने के लिए कहा जा रहा है। अमीर डैडी ने एक बार फिर अपनी उंगली को सिर पर रखा और कहा, इसका इस्तेमाल करो, अब यहां से जाओ और अपने काम में जुट जाओ। सबक 1, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। मैंने अपने गरीब डैडी को यह नहीं बताया कि अब मैं मुफ्त में काम कर रहा हूं। उन्हें यह समझ में नहीं आता। मैं उन्हें इसकी वजह ठीक से इसलिए नहीं समझा सकता था क्योंकि मैं खुद भी इसे ठीक से नहीं समझ पाया था। अगले 3 हफ्ते माइक और मैं 3 घंटे तक हर शनिवार को काम करते रहे मुफ्त में। काम बहुत परेशानी वाला नहीं था और वक्त गुजरने के साथ साथ यह ज्यादा आसान होता जा रहा था। मुझे अफसोस था तो अपने छूटे हुए बेसबॉल गेम्स और कॉमिक्स का। अब मैं उनका मजा नहीं ले सकता था। 3रे हफ्ते दोपहर में अमीर डैडी आए। हमने उनके ट्रक के पार्किंग में आने की आवाज सुनी।
वे स्टोर में घुसे और उन्होंने मिसेज मार्टिन को गले लगाकर अभिवादन किया। स्टोर में क्या चल रहा है यह जानने के बाद वे आइसक्रीम फ्रीजर के पास गए, उसमें से दो आइसक्रीम निकाली, उनका दाम चुकाया और इसके बाद मेरी और माइक की तरफ इशारा करके कहा, चलो घूमने चलते हैं। हम सड़क के पार गए, कुछ कारों को चकमा दिया और एक बड़े घास के मैदान में टहलने लगे, जहां कुछ वयस्क संगठन सॉफ्टबॉल खेल रहे थे। दूर की पिकनिक टेबल पर बैठकर उन्होंने माइक और मुझे आइसक्रीम दी। कैसा चल रहा है? माइक ने कहा, बढ़िया। मैंने सहमति में सिर हिलाया। कुछ और सीखा? अमीर डैडी ने पूछा। माइक और मैंने एक दूसरे की तरफ देखा, अपने कंधे उचकाए और अपने सिर को ना में एक साथ हिलाया। जिंदगी के सबसे बड़े जाल से बचना। अच्छा यह होगा कि तुम बचपन से ही यह सोचना शुरू कर दो, तुम अब जिंदगी के सबसे बड़े सबक को देख रहे हो। अगर तुम इस सबक को सीख लेते हो तो तुम बहुत ज़्यादा आज़ादी और सुरक्षा भरी जिंदगी का सुख ले सकते हो। अगर तुम यह सबक नहीं सीख पाते हो तो तुम भी मिसेज मार्टिन और इस पार्क में खेल रहे ज़्यादातर लोगों की तरह ही बन जाओगे। वे बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, परंतु उसके बदले में उन्हें बहुत कम पैसे मिलते हैं। वे नौकरी की सुरक्षा के मोह में फंसे रहते हैं। हर साल मिलने वाली 3 हफ्ते की छुट्टियों और 45 साल तक काम करते रहने के बाद मिलने वाली थोड़ी सी पेंशन का सपना देखते रहते हैं। अगर इस तरह की जिंदगी जीने में तुम्हें सुख मिलता है तो मैं तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाकर 25 सेंट प्रति घंटा कर सकता हूँ। परंतु ये लोग अच्छे लोग हैं और मेहनती भी हैं, फिर आप उनका मजाक क्यों उड़ा रहे हैं? मैंने उनसे पूछा। अमीर डैडी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। मिसेज मार्टिन मेरे लिए माँ जैसी हैं। मैं इतना कठोर नहीं हो सकता कि उनका मजाक उड़ाऊं। यह कठोर लगता जरूर है, क्योंकि मैं तुम दोनों के सामने स्थिति स्पष्ट करना चाहता हूं, और वह भी आसान शब्दों में। मैं तुम्हारे नजरिए को बड़ा करना चाहता हूं, ताकि तुम कुछ आगे भी देख सको, दूर तक देख सको। ज़्यादातर लोगों को आगे देखने का फ़ायदा कई बार सिर्फ इसलिए नहीं मिल पाता क्योंकि उनके देखने का दायरा बहुत छोटा होता है। ज़्यादातर लोग जिस जाल में फंसे हुए हैं वे उसे देख ही नहीं पाते। माइक और मैं वहाँ पर सोचते हुए बैठे रहे, क्योंकि हम उनकी बातों का मतलब पूरी तरह से नहीं समझ सके थे। उनकी बातें सुनने में कठोर और कड़वी लग रही थीं, परंतु हम यह भी जानते थे कि वे हमें कुछ सिखाने की काफ़ी कोशिश कर रहे थे। मुस्कुराहट के साथ अमीर डैडी ने कहा, क्या 25 सेंट प्रति घंटे का ऑफर अच्छा नहीं लगा? क्या इससे दिल की धड़कन तेज नहीं हुई? मैंने अपना सिर ना में हिला दिया, जबकि असल में ऐसा ही हुआ भी था। 1 घंटे काम के बदले में 25 सेंट मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया सौदा था। अच्छा, मैं तुम्हें 1 घंटे के $1 दूंगा, अमीर डैडी ने शरारत भरी मुस्कान के साथ कहा। अब मेरा दिल तूफान मेल की तरह दौड़ रहा था। मेरा दिमाग चीख चीख कर कह रहा था, इसकी बात मान लो इसकी बात। मुझे अपने कानों पर भरोसा नहीं हो रहा था, परंतु फिर भी मैं चुप रहा। अच्छा, $2 प्रति घंटे? मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे छोटे से 9 साल पुराने दिमाग में किसी ने बम फोड़ दिया हो। 1956 में $2 प्रति घंटे की कमाई मुझे दुनिया का सबसे अमीर बच्चा बना देती। मैं इतना सारा पैसा कमाने की कल्पना भी नहीं कर सकता था। मैं हाँ कहना चाहता था, मैं सौदा पक्का करना चाहता था। मुझे नई साइकिल दिख रही थी, नए बेसबॉल के ग्लव्स दिख रहे थे। मेरे पास कड़क नोट देखकर मेरे दोस्तों की जलन और तारीफ भी मुझे साफ दिख रही थी।
सबसे बड़ी बात तो यह थी कि जिमी और उसके अमीर दोस्त मुझे फिर कभी गरीब नहीं कह सकते थे। परंतु किसी वजह से मैं खामोश खड़ा रहा। हो सकता है कि मेरे दिमाग में गर्मी बढ़ जाने से उसका फ्यूज उड़ गया हो, परंतु मन ही मन मैं $2 प्रति घंटे का ऑफर मानने के लिए बेताब था। आइसक्रीम पिघल चुकी थी और मेरे हाथ पर बह रही थी। आइसक्रीम की डंडी खाली थी और इसके नीचे वेनिला और चॉकलेट के टुकड़े थे जिसके मजे चींटियां ले रही थी। अमीर डैडी हम दोनों बच्चों को देख रहे थे और आंखें फाड़ कर और खाली दिमाग से उन्हें घूर रहे थे। उन्हें मालूम था कि वे हमारी परीक्षा ले रहे हैं और वे यह भी जानते थे कि हमारे दिल का एक कोना उस ऑफर को मानने के लिए बेताब हो रहा होगा। वह जानते थे कि हर व्यक्ति की आत्मा का एक हिस्सा कमजोर और जरूरतमंद होता है जिसे खरीदा जा सकता है, और वह यह भी जानते थे कि हर व्यक्ति की आत्मा का एक हिस्सा मजबूत और दृढ़ निश्चयी होता है जिसे कभी नहीं खरीदा जा सकता। असली सवाल यह था कि इनमें से कौन सा हिस्सा ज्यादा ताकतवर है। उन्होंने अपनी जिंदगी में हजारों लोगों की परीक्षा ली थी। जब वे नौकरी मांगने के लिए आए, लोगों का इंटरव्यू लेते थे, तो वे हर बार आत्माओं की परीक्षा लेते थे। अच्छा, $5 प्रति घंटे चलेगा? अचानक मेरे अंदर शांति छा गई। कुछ था जो बदल गया था। ऑफर बहुत ही बड़ा था और मूर्खतापूर्ण लग रहा था। 1956 में गिने चुने वयस्कों को $5 प्रति घंटे से ज्यादा वेतन मिलता रहा होगा। लालच खत्म हो गया था और इसकी जगह शांति ने ले ली थी। धीमे से मैं अपनी बाईं तरफ खड़े माइक की तरफ मुड़ा। उसने भी मेरी तरफ देखा। मेरी आत्मा का जो हिस्सा कमजोर और जरूरतमंद था, वह खामोश हो चुका था। मेरा वह हिस्सा जिसे खरीदा नहीं जा सकता था, वह आगे आ चुका था। मेरे दिमाग और आत्मा में पैसे को लेकर हुए इस युद्ध में शांति और विश्वास जीत चुके थे। मैं जानता था कि माइक भी इसी बिंदु पर पहुंच चुका होगा। अच्छा, अमीर डैडी ने धीमे से कहा, ज्यादातर लोगों की एक कीमत होती है, और उनकी कीमत इसलिए होती है क्योंकि हम सभी में दो भावनाएं होती हैं, डर और लालच। पहले तो पैसे के बिना रहने के डर से हमें कड़ी मेहनत करने की प्रेरणा मिलती है। इसके बाद जब हमें तनख्वाह मिलती है तो हम में लालच या इच्छा की भावना जाग जाती है। पैसा होने पर हम उन बढ़िया चीजों के बारे में सोचने पर मजबूर हो जाते हैं जो उस पैसे से खरीदी जा सकती हैं। इस तरह हमारी जिंदगी का एक पैटर्न बन जाता है। मैंने पूछा, किस तरीके का पैटर्न? सुबह जागने, काम पर जाने, खर्च करने, सुबह जागने, काम पर जाने, खर्च करने, यही पैटर्न। लोगों की जिंदगी हमेशा डर और लालच इन्हीं दो भावनाओं से चलती है। उन्हें अगर ज्यादा पैसा दे भी दें तो वे इसी पैटर्न पर चलकर अपना खर्च बढ़ा लेंगे। इसी पैटर्न को मैं चूहा दौड़ कहता हूं। क्या कोई दूसरा रास्ता भी है? माइक ने पूछा। हाँ, अमीर डैडी ने धीमे से कहा, परंतु इसे बहुत कम लोग खोज पाते हैं। और वह रास्ता है क्या? माइक ने पूछा। उसी रास्ते को तुम लोग काम करते हुए और मेरे साथ सीखते हुए खोज लोगे, मैं यही उम्मीद करता हूं। इसी कारण मैंने तुम्हें पैसे देना बंद कर दिया है। इस बारे में कोई संकेत तो दीजिए, माइक ने कहा। हम लोग मेहनत से काम करते करते थक चुके हैं, खासकर तब जब इसके बदले में हमें कुछ नहीं मिल रहा है। पहला कदम तो यह कि तुम लोग सच बोलो, अमीर डैडी ने कहा। हम लोग झूठ नहीं बोल रहे हैं, मैंने कहा।
मैंने कब कहा कि तुम लोग झूठ बोल रहे हो? मैं तो यह कह रहा हूं कि सच्ची बात कह देनी चाहिए, अमीर डैडी ने जवाब दिया। किस बारे में? मैंने पूछा। इस बारे में कि तुम लोगों को कैसा लग रहा है। अमीर डैडी ने कहा, तुम्हें यह किसी और से कहने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपने आप से सच बोलो। आपके कहने का मतलब यह है कि इस पार्क में मौजूद लोग, आपके लिए काम करने वाले लोग, मिसेस मार्टिन, यह सब लोग ऐसा नहीं करते? मुझे ऐसा ही लगता है, अमीर डैडी ने कहा। इसके बजाय उन्हें हमेशा पैसा नहीं होने का डर सताता रहता है। उस डर का सामना करने के बजाय, सोचने के बजाय, ये लोग सिर्फ प्रतिक्रिया करते रहते हैं। इस दौरान वे दिल से काम लेते हैं, दिमाग से नहीं। अमीर डैडी ने अपने सिर पर उंगली ठोकते हुए कहा, फिर उनके साथ में कुछ पैसे आ जाते हैं और उनमें खुशी, इच्छा और लालच की भावनाएं जाग जाती हैं, और एक बार फिर से वे दिमाग से सोचने के बजाय दिल से काम करने लगते हैं। तो वे दिल से यानी कि अपनी भावनाओं से सोचते हैं, माइक ने कहा। बिल्कुल ठीक, अमीर डैडी ने कहा, वे इस बारे में सच नहीं बताते कि उन्हें कैसा लग रहा है। वे अपनी भावना से काम करते हैं और दिमाग से सोचने का कष्ट नहीं उठाते। उन्हें डर लगता है, वे नौकरी करने जाते हैं और आशा करते हैं कि ज़्यादा पैसे आने से उनका डर दूर हो जाएगा, परंतु ऐसा नहीं होता है। वही पुराना डर उन्हें फिर से सताने लगता है। वे फिर से नौकरी करने जाते हैं और फिर आशा करते हैं कि पैसा उनके डर को कम कर देगा, परंतु ऐसा नहीं होता। डर के ही कारण वे नौकरी के जाल में फंसे रहते हैं, पैसा कमाते हैं, काम करते हैं, पैसा कमाते हैं और आशा करते हैं कि डर से उनका पीछा छूट जाएगा, परंतु हर रोज जब वे उठते हैं तो उनका पुराना डर भी उनके साथ उठता है। वही पुराना डर करोड़ों लोगों को रात भर जगाता है और उनकी रात बहुत चिंता और परेशानी में गुजरती है। इसलिए वे उठते हैं, काम पर जाते हैं और यह आशा करते हैं कि तनख्वाह के चेक से उनके दिल को कुतरने वाले इस डर को वे मौत के घाट उतार देंगे। सच बात तो यह है कि पैसा उनकी जिंदगी को चला रहा है, परंतु वे इस बारे में कभी सच नहीं बोलते हैं। पैसे ने उनकी भावनाओं पर कब्जा कर लिया है और उनकी आत्माओं पर भी। यह कहकर अमीर डैडी खामोश हो गए, ताकि उनके शब्दों में छुपा संदेश हमारे अंदर चला जाए। माइक और मैंने उनकी बातें सुनी थीं, परंतु हम उनका मतलब पूरी तरह नहीं समझ पाए थे। मुझे अक्सर यह हैरानी होती थी कि लोगों को ऑफिस जाने की इतनी जल्दी क्यों होती है। उन्हें अपनी नौकरी में खास मजा नहीं आता था और वे कभी खुश भी नहीं दिखते थे। फिर क्या वजह थी जो उन्हें जल्दी ऑफिस जाने के लिए प्रेरित करती थी? जब अमीर डैडी ने देख लिया कि हम जितना समझ सकते थे हमने उतना समझ लिया है, तो उन्होंने आगे कहा, मैं ये चाहता हूँ कि तुम लोग इस जाल से बचो। दरअसल मैं तुम्हें यही सिखाना चाहता हूँ। मेरा मकसद तुम्हें सिर्फ अमीर बनना सिखाना नहीं है, क्योंकि अमीर बनने से समस्या नहीं सुलझेगी। अमीर बनने से समस्या नहीं सुलझेगी? मैंने आश्चर्य से पूछा। बिल्कुल नहीं, मुझे दूसरी भावना, इच्छा के बारे में अपनी बात पूरी करने दो। कुछ लोग इसे लालच कहते हैं, परंतु मैं इसे इच्छा कहना ज़्यादा पसंद करता हूँ। यह बुरा नहीं है कि हम किसी बेहतर, ज़्यादा सुंदर, ज़्यादा सुखद या रोमांचक चीज़ की इच्छा रखें। लोग इच्छा की वजह से भी पैसे के लिए काम करते हैं। उन्हें सुख के लिए भी पैसे की ज़रूरत होती है, क्योंकि वे मानते हैं कि पैसे से सुख खरीदा जा सकता है। परंतु पैसा जो खुशी देता है वह अक्सर पल भर की होती है। उन्हें ज़्यादा खुशी
ज़्यादा आनंद, ज़्यादा आराम, ज़्यादा सुरक्षा हासिल करने के लिए और ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होती है। इसलिए वे काम करते रहते हैं और यह सोचते रहते हैं कि पैसा डर और लालच से परेशान उनकी आत्माओं को शांत कर देगा, परंतु पैसा यह काम नहीं कर सकता। तो ये था हमारा आज का अध्याय। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और जुड़े रहिए रीडिंग विद मार्केट शाला के साथ। जल्दी जल्दी ही दोबारा मिलेंगे नए अध्याय के साथ। धन्यवाद।